हेलो गाइस, आज के जो वीडियो में है हम रेलवे सीरीज कब से चला रहे हैं आपको भी पता है, और जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए चाहे ताकि उनके पास जल्द से जल्द अपडेट पहुंच सके। और मुझे ये लगता है कि अगर आप ये जो हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं इन पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, इन्हें अच्छे से समझ लेते हो, तो आपके स्कोरिंग रेट लगभग 80% से ऊपर बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, है ना। देन कीप वॉचिंग अस। चलिए देखते हैं आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले रीजनिंग का, उसमें जो हम कॉम्बिनेशन के साथ क्वेश्चंस लाए हैं आपके सामने वो क्या क्या हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन कोडिंग डिकोडिंग। तो आपको ये पता होगा कोडिंग डिकोडिंग पे वैसे ही हम कई रिलेशन सॉल्व कर चुके हैं, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक विशेष कोड भाषा में डोम को 8943 लिखा जाता है तथा मील को MEAL मील को 4321 लिखा जाता है, तो यह बताइए 38249 किसका कोड होगा। देखो इसमें जो थोड़ा सा पूछा गया है वो किस वैरायटी में है। तो आपको बोला गया है 3 8 2 4 9 किसका कोड होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। जब ऐसे दो कोड दिए जाते हैं, नंबर दे दिए जाते हैं, तो हम उनकी प्लेस वैल्यू को ले लेते हैं एज इट इज, दैट्स इट। तो यहाँ पर जो तीन है वो किस में आ रहा है, देखो इसमें भी ई है और इसमें भी ई है। ई की कोडिंग जो आपने देखी यहाँ पर कितनी है, तीन, यहाँ पर भी कितनी थी, तीन। तो मतलब आपका क्या होगा, ई तीन। अब आठ देखें तो एक ही जगह पर दिया, आठ क्या था, डी की कोडिंग थी, ठीक है। और अब देखें टू, टू कहाँ पर दिया भाई, यहाँ दिया। टू किसके हिसाब से, ए के हिसाब से। अब चलो फोर, फोर फोर देखिए तो किसके हिसाब से, एम के हिसाब से, यहाँ भी देखो तो एम की फोर है। अब नाइन देखिए, नाइन की क्या है यहाँ पर, तो आपका क्या हो गया यहां पर, EDAMO आपका आंसर हो गया। प्लेस वैल्यू के हिसाब से आपने देख लिया कि प्लेस के हिसाब से क्या वैल्यू दी गई थी और कोडिंग यहां पर कर ली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको इसमें भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। यदि MAD को क्या लिखा है रेशो में, JX से, तो रन के बाद यहां रेशो में क्या आएगा, तो वही आएगा जो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। पहले इन्हें चेक कर लेते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या बन रहा है। मैंने लिखा MAD, ठीक है, आपके लिए क्या लिखा MAD, और नीचे क्या लिखा JX और A। अब मैं ही देखता हूं क्या यहां पर सीधा सीधा कोई रिलेशन है। हाँ देख लेते हैं भाई, M के बाद आपको पता है कि J जो है वो M के पहले आता है, M किसके बाद आता है, J के बाद आता है। तो हम देख लेते हैं नीचे से ऊपर, ठीक है, तो J K L M, ठीक है, तो क्या आता है आपका J K L M, मतलब यहां पर कितना हुआ प्लेस वैल्यू से प्लस थ्री। अगर मैं J की प्लेस वैल्यू देखो, देखो जब ये कोडिंग डिकोडिंग हम करते हैं ना ऐसे, इसमें आपको A से लेके Z तक और Z से उल्टा A तक जो प्लेस वैल्यू होती है ना, जैसे A की 1 होती, Z की 26 होती, O की 15 होती, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहां पर वैल्यूज देख रहे हैं, J की कितनी होती है भाई 10, तो यहां पर कितना हो गया, 10 से कितना ऊपर चले गए आप, 12 11 12 और 13। तो यहां पर कितना हुआ आपका प्लस 3 इनको मिलाकर। अब यहां पर और देख लेते हैं भाई X, ठीक है। अब आप देख जानते हो कि X और A में क्या हो सकता है, लेकिन उल्टा तो जा सकते हैं हम। यहां पर X, X के बाद क्या आता है Y, फिर क्या आता है Z, फिर वापस किस पे आ जाओगे आप, उल्टा होके X Y Z, Z के बाद क्या आ जाएगा वापस रिवर्स होके A। तो आपका यहां पर भी कितना हुआ, देखो ये इसकी वैल्यू क्या होती है 24, तो यहाँ 25 26, और फिर प्लस होके वापस किस पे आ गए आप, टॉप पे। तो यहाँ पर भी कितना हुआ है आपका, अगर आप देखो तो प्लस 3। ऐसे ही हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हुआ है प्लस 3 हुआ है। अब A के बाद तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है B C D, तो प्लस 3 यहाँ पर भी हुआ है। तो यही चीज किस में हो जाएगी अगर आप देखो तो रन में भाई, या तो आपको रन दिया है तो रन के हिसाब से देखोगे, तो अगर M के हिसाब से J को देखोगे, तो मैंने तो J के हिसाब से M बताया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कम करना पड़ेगा, माइनस 3 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर J के हिसाब से देखो तो प्लस है लेकिन M के हिसाब से देखो तो माइनस है। तो हमें R के हिसाब से देखना, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, माइनस 3। तो R की वैल्यू हम देखते हैं RSTPQR, तो आपको जो आपका आर है वो कितने नंबर पे आता है 18। हम मार्किंग कर ले रहे हैं कि कौन सी वैल्यू कहां पर आती है, तो इससे हमें क्या होता है बहुत आसान है। यू कहां आता है 21 पे, और एन की वैल्यू ये आपको भी याद होना चाहिए अच्छे से, ये होती है 14। अब यहां से 3 माइनस करो, तो यहां से जैसे ही 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा यहां 15, ठीक है, और यहां से माइनस करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 18,
यहां से माइनस थ्री करोगे तो कितना आ जाएगा 11. अब ये प्लेस वैल्यू जिनकी भी है उनका कोड लिख दो. 15 किसकी होती है अगर अल्फाबेट्स में देखे सीधे सीधे तो ओ की, ठीक है. 18 अगर आप देखो, ठीक है, तो किसकी होती है आर की, आपको दिया ही था 18 यहां पर आगे सिमिलर लिख सकते थे. 11 अगर मैं यहां पर देखूं तो किसकी होती है जे की, सॉरी के की, किसकी होती है के की. तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ओ आर के. अगर आपको कहीं डिफिकल्टी फेस हुई तो आप देख सकते हैं प्लेस वैल्यू से सिर्फ रिलेशन देखा गया है यहां पर. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. फिर से कोडिंग डिकोडिंग का ही है लेकिन एक सीरीज दी गई है यहां पर. तो देखिए ये है आपका प्रश्न, पहले आप इसे अच्छे से देख लो. यहां पर आप देखो तो सी से सी बड़ा है, ठीक है. यहां पर क्या हुआ है ए बी सी तो हुआ लेकिन सी के स्थान पर दूसरी स्टेप जब आई, दूसरी आपको कोडिंग दी गई उसमें क्या हुआ सी की जगह पर सी है सी डी ई. स्टार्टिंग किससे सी से, फिर जब हम आए तो हमें ई से होनी थी, जब यहां पर सी से हुई थी भाई वापस सी पे एंड हुआ सी पे स्टार्ट हुआ तो यहां पर भी ई पे एंड हुआ ई पे, लेकिन यहां पर प्लस वन कर दिया. मतलब यहां प्लस जीरो किया था, यहां पर प्लस कितना किया प्लेस में वन. फिर यहां पर आए तो यहां पर तो भाई फिर क्या होना चाहिए था जीरो प्लस वन, तो यहां प्लस टू होना चाहिए था. देखते हैं कि नहीं है भाई एच, फिर दूसरे नंबर पे जे आना चाहिए था आई, फिर क्या आता है जे, मतलब प्लस टू हुआ है इसकी प्लेस वैल्यू में, हाँ जी हुआ है. फिर उसके बाद जे के एल सेंटर में तो कोडिंग बिल्कुल सेम चल रही है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका अब यहां पर हो जाएगा प्लस थ्री. तो एल एम, एल के बाद क्या हो जाएगा आपका एम एन, और फिर क्या आ जाएगा यहां O, है ना, और फिर O P Q. तो यहां पर क्या जाएगा आपका एक मिस करके आप एक प्लेस छोड़कर ही कर रहे थे, तो यहां पर O P Q, तो आपका कोड क्या हो जाएगा यहां पर O Q, आपका कोड क्या हो जाएगा यहां पर O Q, तो आपका आंसर क्या है O Q. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. B A से दुगना बड़ा है. चलो हमें जो चीज दी गई है हम वो पहले लिख लेते हैं. B A से दुगना बड़ा है तो मतलब A का जो डबल होगा वो B के बराबर होगा भाई. B A से कितना दुगना है लिख लिया मैंने, लेकिन A C से दो गुना बड़ा है. इसके बाद क्या दिया है जस्ट जो आपको दिया है, एक गिवन क्या दिया है सबसे पहले गिवन में, यहां पर क्या दिया हुआ आपको जो B है आपका वो कितना है 2 है, लेकिन उसके बाद आपको दिया हुआ है जो A है वो किससे दुगना है C से, ठीक है. आपको क्वेश्चन क्या दिया है, पहले दिया हुआ है जो B है वो A से दो गुना बड़ा है लेकिन A C से दो गुना बड़ा है. मतलब यहां पर जो रिलेशन था मैंने लिख दिया दोनों का, पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू. अब आपको क्या दिया हुआ है थर्ड पॉइंट, F B से दो गुना बड़ा है, मतलब जो F है वो क्या है 2B. भाई देखो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं यहां पर कौन किससे दुगना बड़ा है, साफ साफ लिख दे रहा हूं. अब आपको और चीज बोली गई है और C D से दो गुना बड़ा है, और C D से दो गुना बड़ा है. अब भाई C का भी दे दिया, C किससे दो गुना बड़ा है D से. इन सभी में आयु में दूसरे स्थान पर कौन है, देखो बहुत सिंपल है, यहां पर हम सबसे छोटा जो दिखेगा वो कर लेंगे. देखो यहां आपको क्या दिया हुआ है B किससे दो गुना बड़ा है A से, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है. तो मतलब B A से तो बड़ा होगा, चलो ठीक है ना. उसके बाद B से बड़ा कौन है भाई F, आप दुगना नहीं लिख रहा, मैं इस डेटा के बेस पे लिख दे रहा हूं सीधा सीधा. A किससे बड़ा है C से, दुगना है ना उसका, और C किससे बड़ा है D से, दिख रहा है. मैंने ये डेटा लिखा और उसके बेस पे बना दिया आपका क्या एरो के साइंस, ये क्या है आपका सी है, से एरो मत समझना, ठीक है. ये आपका क्या है यहाँ पर सी है. तो दूसरे स्थान पे कौन है यहाँ पर पूछा गया, तो आप तो आप कोई भी स्थान बता सकते हो. दूसरे स्थान पे बी है जो क्वेश्चन में पूछा गया था. अगर आपसे पूछता कोई सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा डी है, और सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा एफ है. और अगर हम देखें यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेते कि बीच में आए हुए जो सेंटर में कौन आएगा या तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो ए चौथे स्थान पर कौन आएगा सी, आप किसी भी स्थान का बता सकते थे. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है. देखिए आपसे बोला गया है राजेश की मां मीना के पिता की इकलौती संतान है. राजेश की मां
मीना के पिता की इकलौती संतान है, तो मीना के पति राजेश के क्या लगे? देखो बहुत सिंपल है, राजेश की माँ, तो हमने पहले मेंशन किया राजेश, हम जनरेशन वाइज करते हैं, ठीक है, अभी जनरेशन हमें उसका जेंडर नहीं पता। राजेश की मदर है तो उनसे हमने एम से मेंशन कर लिया, किसके, मीना के पिता की, तो भाई हम पहले ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, फादर हो गए मीना के प्लस, और ये क्या है मदर है तो माइनस, कि इकलौती बेटी है, क्या है, इकलौती बेटी नहीं मतलब संतान है, तो यह बताइए मीना के जो हस्बैंड है वो राजेश के क्या लगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात किसकी बात हो रही है, मीना के राजेश की माँ, मीना के पिता, भाई मीना के पिता मतलब मीना कौन हो गई, राजेश की माँ ही हो गई, क्यों, क्योंकि तो वो इकलौती संतान है, जब वही उसके पिता हैं तो मीना किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, मीना ही जो है ना वही राजेश की कौन हो गई, राजेश की माँ हो गई, ठीक है। अब उसके हस्बैंड राजेश के क्या लगेंगे भाई, उसके हस्बैंड राजेश के पिता लगेंगे, उनका क्या संबंध हो जाएगा यहाँ पर, फादर का, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, यहाँ पर समझना हमको सिर्फ इतना था कि इकलौती बेटी किसकी, भाई फादर की इकलौती बेटी, ठीक है, हमने कर लिया मीना। अब मीना अगर इकलौती बेटी है और राजेश की माँ भी बेटी किसकी है, इन्हीं की, मीना के पिता की, तो भाई राजेश की माँ ही तो मीना हो गई, तो मीना कहाँ गई, यहाँ पर, मीना के हस्बैंड, जब मीना माँ है किसकी, राजेश की, तो उसके हस्बैंड क्या लगेंगे, फादर, ठीक है। आई होप आपको जो आज की क्लास में हमने छोटे छोटे से क्वेश्चन शेयर करे आपके साथ और जो जो डिस्कशन किया है वो आपको पसंद आया होगा, और कहीं क्वेरी आ रही है या आप चाहते हैं सर इस टॉपिक पे भी वीडियोस बनाइए, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर विथ अदर ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.